हेलो वेलकम गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे फायरबेस को लेकर कैसे हम लोग बना सकते हैं लिस्ट व्यू। जैसे आप लोग देख रहे हैं उसी टाइप का कैटेगरी सिस्टम, इमेज अपडेट सिस्टम, सारे चीज, लिंक सिस्टम, ये सब होगा एक ही फायरबेस से लिंक होकर। जैसे आप लोग को एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे तीन चीज दिख रहे हैं, ये मेरा टैग है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टैग है, ये टैग जितना होगा उतना अपने आप यहाँ पे अपडेट होते जाएगा। तो इसी वजह से अगर मैं किसी एप में जाता हूँ, अगर मैं एप्स में जाता हूँ तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे लोड हो गया और अलग अलग चार, क्योंकि मेरा यहाँ पे एप्स वाला जो कैटेगरी है उसका अंदर में चार टैग है। तो टैग कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका अंदर जो डाटा है यहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, तो सेम चीज़ आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन इस तरह शो हो रहा है। तो गाइज अगर मैं किसी एक में क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे फिर से आपका वही फोटो लिंक एंड लिंक में अगर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक वो URL भी ओपन हो जाएगा। अगर मैं लिंक में क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक करस्पोंडेंस पेज में ले गया। तो ये इस तरह काम करता है। अगर मैं बैक करता हूँ, अगर ऑटोमेटिक बैक हो रहा है, एंड दूसरा अगर इंटरटेनमेंट में जाता हूँ तो अलग अलग कैटेगरी आ गया है। मैं यहाँ पे इमेज नहीं दिया हूँ तो इसी वजह से इमेज नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे इमेज दूंगा तो ऑटोमेटिक URL यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ मेरा यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं एडमिन पेज में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने इस तरह कुछ बनाया हूँ, थोड़ा सा इंतजार करिए। यहाँ पे देखिए जैसे ही एडमिन पेज में जाता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा वो बुकेट आ गया। आप कोई भी एक चुन सकते हैं, जैसे मैंने ऐप्स चुन लिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। उसके बाद में आप यहाँ पे टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सारा चीज़ यहाँ पे डाला हुआ है। आप जैसे ही भरेंगे तो आप लोग का डाटा जो है यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, जिस तरह आप लोग लिस्ट व्यू दिख रहे हैं। अगर ये मैं लिस्ट व्यू को कॉपी करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड पेस्ट किया तो आपको सबसे पहले टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड ये इमेज का URL एंड आपका कौन से साइट में जाएगा वो लिंक, तो अलग अलग लिस्ट में बना हुआ है। एंड उसी लिस्ट को लाकर मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे जैसे आप लोग दिख रहे हैं सारे चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। अगर मैं इसको स्क्रीन वन में जाता हूँ, अभी थंकेबल लाइव चालू है तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक इस तरह काम कर रहा है। अगर मैं किसी एक में जाता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, डिटेल में समझते हैं इसका ऊपर में पूरा विस्तार रूप से। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, नीचे दिए गए रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास में घंटी सिंबल को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो गाइज सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ थंकेबल, एंड उसका बाद में आप लोग ओ AI फाइल लेने के बाद में आप लोग यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा AI फाइल, एंड उसके बाद में अटैच करके उसको काम करना है। एंड उसके बाद में आपको इस तरह प्रोजेक्ट आ जाएगा, सिर्फ स्क्रीन वन है, स्क्रीन टू है। तो स्क्रीन टू में मैंने यहाँ पे जैसे बताया कुछ यहाँ पे सिस्टम बनाया हो जिसका प्रीव्यू आप लोग कुछ इस तरह शो करता है। ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, आपको यहाँ पे जो भी कैटेगरी रहेगा, मतलब आपका लिस्ट व्यू जो रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अगर जो ब्लॉक्स है वो ब्लॉक्स इस तरह कुछ बनाया हो कि सबसे पहले स्क्रीन शुरू होते ही हमारा टैग लिस्ट शो हो जाए, जो मतलब जितना होगा सारे टैग लिस्ट इसमें आ जाएगा। एंड उसका पहले या जो मैंने दिया हूँ फायरबेस, इसका बुकेट को मैंने किया हूँ ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पे जैसे टैग लिस्ट आ जाता है उसका बाद में क्या करते हैं हमने ना स्पिनर, यहाँ पे जैसे स्पिनर है यहाँ पे स्पिनर को सिस्टम डाला हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ आ जाए जो ऑटोमेटिक आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ब्लॉक्स में आप लोग को यहाँ पे डिस्प्ले ड्रॉप डाउन किया हूँ, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ड्रॉप डाउन। एंड उसका बाद में आप लोग को अलग अलग बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं कोई भी चुनता हूँ यह ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका कौन सा ना बुकेट, क्योंकि मैंने चुना हूँ यहाँ कि आफ्टर सिलेक्शन यह ऑटोमेटिक फायरबेस का बुकेट बन जाए। एंड उसका बाद में वो बुकेट का अंदर में ये सारे डाटा स्टोर हो जाए, जैसे मैंने बताया कि आप लोग ये लिस्ट व्यू में शो हो जाए, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लिस्ट व्यू किस तरह शो हो रहा है। ओके, तो आप लोग ये सारे जो फॉर्म है ये सारे फॉर्म को अगर भर देंगे एंड सबमिट करेंगे, सारे डाटा आपको इस तरह शो हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को अलग सा कैटेगरी अगर बनाना चाहते हैं, अब यहाँ पे ऐसे इंटरटेनमेंट है, अगर मैं यहाँ पे इंटरटेनमेंट टू कर देता हूँ तो आप लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा कैटेगरी भी बन जाएगा। एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ भी इस तरह डाल देता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, एंड इमेज लिंक के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंड यहाँ पे URL। उसके बाद में करता हूँ मैं इसको सबमिट, आप लोग यहाँ पे दिखेंगे, देखिए इंटरटेनमेंट टूबल की एक अलग सा बन चुका है जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है। सिंपल सा इमेज का जगह इमेज का URL, अब जैसे मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, मैं अपना जो प्ले स्टोर में जो ऐप्स है उसी को मैंने ओपन किया, सिंपल सा जैसे ओपन किया हूँ। एंड उसके बाद में ये टाइटल ले लिया, एंड उसके बाद इसको राइट क्लिक करके ओपन इमेज किया, ये जो इमेज URL है मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद में आप लोग को दिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे इमेज URL है, मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पेस्ट करते ही उसका पहले दिखाता हूँ कि मैं ये कौन सा इंटरटेनमेंट टू में डाला हूँ ना, इसको इंटर मारता हूँ
ओके एंड अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंटरटेनमेंट टू में जाने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने के लिए जो लाइव चल रहा है अभी, लाइव को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे लाइव रिफ्रेश करता हूँ ये रिफ्रेश हो रहा है। अभी देखिए इंटरटेनमेंट टू आ चुका है, तो अभी उसमें गया, जाने के बाद में आप लोग देखेंगे एक ही आ गया है। एंड इसमें क्लिक करते हैं तो आप लोग को डाटा यहाँ पे आ गया, तो लिंक ऑटोमेटिक काम करता है। ये पूरा एकदम बढ़िया से बनाया हूँ, काफ़ी मेहनत करके यहाँ पे बनाया हूँ। तो अभी आप लोग को डिटेल में समझाता हूँ कि स्क्रीन वन में आप लोग को और क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया हूँ कि सबसे पहले आपको एक लिस्ट व्यू लिया हूँ, जो लिस्ट व्यू आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, जो हमारा टैग लिस्ट को कैच कर रहा है। तो इस पर से हम शुरुआत में जाते हैं ब्लॉग्स में। तो शुरुआत में देखेंगे जैसे स्क्रीन में टैग लिस्ट आ गया है, एंड टैग लिस्ट आने के बाद में लिस्ट व्यू का जो था हमारा बताया उसमें एलिमेंट आ गया, जिस तरह से हमारा यहाँ पे टैग है सारे टैग यहाँ पे शो करवा देगा, कौन सा ये एप्स इंटरटेनमेंट ये सारे। क्योंकि टैग इसलिए शो करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डाला हूँ बुकेट जो है ना ब्लैंक डाला हूँ, तो इसी वजह से हमारा शुरुआत का जो ये टैग है ये टैग जैसा यूज कर रहा है, बुकेट जैसा यूज कर रहा है, ये टैग जैसा यूज कर रहा है, तो इसी वजह से ये सारे चीज शो हो रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे बुकेट ब्लैंक है। तो इसी वजह से एक टैग शुरू करेगा, देन टैग लिस्ट को यहाँ पे एलिमेंट में डाल दिया, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे इस तरह व्यू में शो हो रहा है। ओके एंड उसका बाद में जैसे ही हमारा कोई उसमें से हम जैसे ही कोई पिक करते हैं, अगर ऐप्स में पिक किया तो क्या हो रहा है, आपको एक लिस्ट आ रहा है। तो इसी वजह से हम लोग इस तरह बनाया है कि जैसे ही पिक करते हैं, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐप्स वाला बुकेट को पिक किया, तो इसी वजह से हमारा जो पिक हुआ वो फायरबेस टू का बुकेट बन गया, कौन सा ना लिस्ट डॉट सिलेक्शन, इसी वजह से सिलेक्शन वाला लिस्ट बन गया। एंड उसका बाद में उसका अंदर में जो लिस्ट है वो लिस्ट को हम लोग क्या किया, उसको एक टैग लिस्ट का अंदर में एक वैल्यू को कॉल किया। तो इसी वजह से हम लोग लूप सिस्टम किया कि जितना वैल्यू आएगा उसको ऑटोमेटिक काम करे। तो इसी वजह से हम लोग क्या किया, जैसे ही वैल्यू मिल गया उसके बाद में सारे जो आइटम को लिस्ट आया उसके अंदर से, जैसे मान लीजिए क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे लूप सिस्टम किया, इसी वजह से हमारा क्या है जो भी आइटम आए उसका अंदर जो भी टैग है उसका अंदर से गेट वैल्यू मिले, ये टैग हो जाएगा एंड उसके बाद में वैल्यू। तो अभी जैसे ही हम लोग गॉट वैल्यू होता है उसी वजह से हम लोग एड आइटम टू लिस्ट, मान लीजिए इसका अंदर ये टैग है एंड उसका वैल्यू ये है, सारे वैल्यू को क्या करेगा ऐड टू आइटम करेगा। तो इसी वजह से इंडेक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो लिस्ट है 1 2 3 4 सारे को अलग अलग लिस्ट को हम लोग क्या क्या कैटेगरी सिस्टम किया, इसलिए ऐड आइटम टू लिस्ट एंड उसका इंडेक्स दिया हुआ है। कि जैसे मान लीजिए पहला लिस्ट में, इसलिए मैंने अलग सा यहाँ पे ग्लोबल इनिशियलाइजिंग कर दिया हूँ, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड उसके बाद में टाइटल, इमेज यूआरएल एंड आपका यूआरएल जो लिंक जिसमें साइट में जाएगा, तो उसी का अंदर में एक लिस्ट क्रिएट करेगा एंड आइटम लेगा कौन सा ना सिलेक्शन करेगा इंडेक्स 4 से, जैसे मैंने बताया इंडेक्स 4 से 1 2 3 4 मतलब यूआरएल लिंक एंड तीन नंबर वाला कौन सा हो गया ना इमेज यूआरएल। तो इसी बस से आप लोग को यहाँ पे तीन नंबर वाला यहाँ पे डाल दिया हूँ, मतलब इजीली समझने के लिए आप लोग को डाल दिया हूँ यहाँ पे इमेज यूआरएल। पहला नंबर में टाइटल, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे जो इंडेक्स लिस्ट है पहला नंबर में टाइटल डाल दिया हूँ एंड सेकंड में डिस्क्रिप्शन एंड थर्ड में इमेज एंड उसके बाद में फोर में आपका जो यूआरएल या लिंक जाएगा। ओके एंड उसका बाद में आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ कॉलिन ट्री व्यू लिस्ट व्यू, जो अभी लेटेस्ट में आजकल मार्केट में चल रहा है। तो इसी वजह से कॉलिन लिस्ट व्यू का ये एक्सटेंशन है, आप लोग को जरूर सर्च करेंगे थंकेबल कॉलिन रिव्यू तो आप लोग को मिल जाएगा। तो ये एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे करने के बाद में आप लोग यहाँ पे सिर्फ ऐड एलिमेंट, तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन में जाता हूँ ऐड एलिमेंट, तो यहाँ पे ऐड एलिमेंट किया हूँ एंड उसका बाद में डाटा को एक लिस्ट किया हूँ। एक्चुअली इस प्लगइन का एक इस्तेमाल करने का फायदा क्या हो जाता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे लिस्ट में आ रहा है, तो इसी वजह से कौन सा चीज़ को क्या सिलेक्शन करना है पहले एक को फॉलो करना है, पहले इमेज टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड उसका बाद में इसमें क्लिक करने के बाद में लिंक। तो इसी वजह से आप लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तीन चीज़ लिया हुआ है। तो एक्चुअली ध्यान रखिएगा ये प्लगइन जैसे ही इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे ऐसे जो ऑप्शन बताया कि ऐड एलिमेंट, तो ये एलिमेंट का अंदर में हमेशा मैक लिस्ट होना चाहिए क्योंकि ये डाटा हमेशा लिस्ट जैसा शो करवाता है। आपको जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले इमेज है, इसी वजह से आपका पहले वाला जो होना चाहिए वो इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे इमेज के लिए मैंने क्या किया हूँ यहाँ पे इंडेक्स 3, मैंने बताया कि आपका इंडेक्स 3 वाला देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है इंडेक्स 3, मतलब यह ग्लोबल जो हमारा लिस्ट बना था इमेज लिस्ट, जैसे मैंने बताया था कि इमेज लिस्ट मतलब तीन नंबर, यहाँ पे दिख सकते हैं कि तीन नंबर 1 2 3 तीन नंबर में हमारा इमेज यूआरएल है। तो इसी वजह से हमारा इंडेक्स किया हूँ यहाँ पे तीन नंबर वाला, तो इसी वजह से उस तीन नंबर इंडेक्स में से आपको लिस्ट बनाए। ओके एंड उसका बाद में जो मैंने बताया था यहाँ पे टाइटल है, तो इसी वजह से उसके बाद में एक नंबर में टाइटल था टाइटल एंड उसके बाद में
आपका आ गया डिस्क्रिप्शन, जो हमारा यहाँ पे एक छोटा सा जो रेड लाइन में दिख रहा है वो रेड लाइन क्या हो। तो आप लोग ये चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा एंड ये प्लगइन को इंस्टॉल करिएगा, ये ए फाइल को लीजिएगा एंड जैसे ये कॉलिंग ट्री व्यू, यहाँ पे काफ़ी सारे और ऑप्शन है। आप लोग जैसे दिख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रे करना है कि क्या करना है, सारे चीज़ यहाँ पे शो करता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। एंड उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देखिए और काफ़ी सारे और ऑप्शन है। आप लोग और एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे ये जो साइड में सबसे लास्ट में दिख रहा है कि एरो बटन, तो वो कैसे लाया, तो आप लोग सिंपल सा वो एक्चुअली एक इमेज है, यहाँ पे एरो बल्कि ये इमेज बनाया हूँ, मतलब ये लिया हूँ आइकन, तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करते हैं वो प्लगइन्स में, आप लोग यहाँ पे एनेबल करना पड़ता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बटन उसको बोलते हैं, उसको एनेबल करना है। वो जैसे ही एनेबल करते हैं उसका साइज हाइट भी दे सकते हैं, ये काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कलर किया हूँ डीप ऑरेंज, आप लोग जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे डीप ऑरेंज है एंड ये साइड में ये इमेज आकर बैठ रहा है। तो काफ़ी सारे है नया चीज़, मैं भी इसका ऊपर में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे भी उतना आइडिया नहीं था, तो काफ़ी सारे लोग इसका ऊपर में बनाकर भी पैसा में बेच रहे हैं, जो अच्छा अच्छा डेवलपर है अभी भी आप लोग मिल सकते हैं आप लोग को, उन लोग पैसा में बेच रहे हैं, लेकिन मैंने भी सोचा कि मैं इसका ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लूँ। तो इसी वजह से करते करते थोड़ा यहाँ तक हमने पहुँचा, जो भी है इसी वजह से थोड़ा सा मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ अच्छा से बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कोई भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप लोग जैसे दिख रहे हो ये बढ़िया से काम करता है। आप लोग ये प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सारे और चीज़ बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा अपना ऐप्स को बनाया। आप चाहे तो यहाँ पे शायरी वगैरह भी बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं एंड न्यूज़ जैसा भी बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा चीज़ है ये, बढ़िया से काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा एंड कुछ भी क्वेश्चन क्लियर हो इसका रिगार्डिंग जरूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी एक्सपेरिमेंट चालू है, इसका ऊपर जो भी नया नया डेवलपमेंट होगा मैं आप लोग को जरूर बताऊँगा। तो आप लोग सेम चीज़ आप लोग करिए जैसे मैंने बताया। सो गाइज, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड ये डाउनलोड करके आप लोग अगर नया प्रोजेक्ट बनाते हैं मुझे भी बताइएगा। सो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारे प्रोग्रेस बार जो होता है कि इसमें क्लिक करने से प्रोग्रेस बार आए वो नहीं दिया हूँ। प्रोग्रेस बार कैसे देते हैं आप लोग जरूर पता होगा, नहीं तो आप लोग सर्च कर सकते हैं 7 Star Media एड लोडिंग प्रोग्रेस बार, तो आप लोग ये वाला साइट मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, तो इसको अगर फॉलो करेंगे जरूर आप लोग सीख पाएंगे।